यस्तारचो वारिष्णरेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु मरुतः वृष्टिमातरः शुभाञ्जाभानो विदधे भुजगमयः मानवः सूरत् सो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्राङ्गरणे सोळयाम देवा भद्राम् पश्ये माच्छविर्जन्तुः स्थिरैरङ्गै तुष्ठवा गुंसस्तनो विवसे महिदेवहितम् जदायुः सतमेन्दो शरदो वन्ति देवा यत्र नश्चकरा जनशान्तानो नाम पुत्रासो जातपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युगन्तो आदिति द्यौवादिति रान्तरि च मादिति मा पिता स पुत्रः विश्वेदेव आदितिः पञ्चजना आदित्यादमादित्यानि त्वां मा जयो शान्तिरान्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः। आज अभी तत्काल में तुरंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किए और हनुमान जी महाराज को धन्यवाद ज्ञापन किया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के राजा हैं और ये पूरे विश्व के राजा हैं। और अयोध्या में भगवान राम जब जाने लगे तो राजतिलक हनुमान जी महाराज का किए हैं, और कल हनुमान जयंती है, कल उनका जन्मोत्सव था। आज वो जब ये दीपोत्सव के कार्यक्रम समापन के बाद, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन दीप महोत्सव जिस प्रकार से अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और ये सनातन प्रवाह, और जो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी शुरुआत इतना मनोरम और इतना भव्य दिव्य और अकल्पनीय रहा है, तो आप समझिए जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब लंका से आए पापियों के अंत करने के बाद, और समाज में सामंजस्य समानता स्थापित करने के बाद, समाज में जो व्याप्त था छुआछूत ऊंच नीच उसको खत्म करने के बाद, तो सोचिए अयोध्या के ऋषि मुनि संत महात्मा मुनि अयोध्या जन कितना प्रफुल्लित, कितना प्रसन्नचित और कितना विशाल हृदय से उनका भव्य स्वागत किया होगा। जिस प्रकार से दीप मालिकाएं सजाकर, वो रंगोली बनाकर, और तो और 17 लाख दिए हम लोगों ने, 18 लाख तो वहां जलाए, लेकिन रिकॉर्ड में 14 कुछ हुआ है, लेकिन 18 लाख वहां जलाए, उसके साथ साथ 7 लाख प्रमुख मंदिरों में हम लोगों ने दीप जलाकर और हर नुक्कड़ हर चौराहे पे दीप मालिका सजाकर उस कार्यक्रम को आम जनमानस की, जैसे कि सरकारी कोई इवेंट होता है तो उसको सिर्फ वॉलंटियर कर लिया और जो सरकारी अमले आए उसमें इन्वॉल्व हुए, काम खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी ने अभी जो आए थे कुछ दिन पहले उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि कैसे होगा, जो क्योंकि ये प्रशासन की व्यवस्था भी देखना, वीआईपी मूवमेंट भी देखना, वीवीआईपी भी मूवमेंट देखना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे तो सुरक्षा वाकई में करी रहेगी। ये सब देखते हुए भी हम इसको कितना से कितना आम जन से जोड़ सके, इतना कोई चिंता और चिंतन करता नहीं है। लोग सिर्फ एक व्यक्ति, एक संप्रदाय और एक मजहब की बात करते थे, लेकिन इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो कार्य किया है, भूत और भविष्य भविष्यति, लोग तो राम का नाम लेना पसंद नहीं करते थे कि एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय का आदमी नाराज हो जाएगा। यही अयोध्या है जो भगवान राम की टेंट बदलवाने में 9-9 वर्ष लग जाते थे, यही अयोध्या है जो भगवान राम की साल में एक बार वस्त्र बदला जाता था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।